आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल किस प्रकार निकाला जाता है। आइए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, संख्या है 1.728 का घनमूल निकालना है हमें, 1.728। तो देखें किस तरीके से निकाला जाता है। संख्या है हमारे पास 1.728। तो ऐसी संख्याओं में सबसे पहले इसका डेसिमल दूर किया जाता है। ये डेसिमल वाली पूर्ण घन संख्याएं हैं, तो डेसिमल दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसके नीचे बटे की लकीर खींचेंगे और डेसिमल के नीचे एक लिख लेंगे और डेसिमल के आगे जितनी डिजिट है, 1, 2, 3 डिजिट है, तो यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा लिए जाएंगे और डेसिमल यहाँ से कट हो जाएगा, यानी डेसिमल हट जाएगा। तो जो फाइनली संख्या हमें मिलेगी 1728 बटे नीचे आ गया 1000। अब वही पहले जैसा हो गया, साधारण भिन्न बन गई जो, तो अंश है 1728, हर हो गया 1000, तो अंश का घनमूल अलग निकालेंगे। अंश है 1728, तो अंश का घनमूल निकालने के लिए 1728 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो देखें लास्ट में 8 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 16 बचा 1, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे, 2 1 2 0, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 7 14, फिर अब जो 3 से डिवाइड होगा, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। इस तरीके से 1728 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए 2 आया है 6 बार, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और 3 आया है 3 बार। 3 3 के यहाँ पैर बनाए, तो 2 का एक पैर बना, 3 का एक दूसरा बन गया, एक 3 का पैर बन गया। अब जो 1728 संख्या है हमारी, इसका घनमूल निकल के आ गया, हर पैर से एक डिजिट लेंगे, पहले से 2, दूसरे पैर से 2, तीसरे से ले लिया 3, 2 2 4, 4 3 12। तो 1728 का घनमूल निकल के आया 12। अब नीचे हर है हमारा 1000, तो 1000 का घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 500 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 250, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 125, अब जो होगा 5 से डिवाइड, तो 25 आ गया, फिर 5 से करेंगे, 5 आ गया, फिर 5 से करेंगे, 1 आ गया, जब तक 1 ना आ जाए। तो इस तरीके से 1000 के अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए 2 × 2 × 2, 5 × 5 × 5, यानी 1000 का घनमूल आ गया, 3 3 के 2 पैर बने, 1 2 का बना, 1 3 5 का, तो 2 42 2 ले लिया, 5 42 5 ले लिया, 5 2 10, इस तरीके से 1000 का घनमूल निकल के आ गया 10। अब जो संख्या हमारे पास थी, ऊपर अंश 1728 का घनमूल आया है 12 और 1000 का आ गया 10, तो 10 12 को 10 से अगर हम भाग करें डेसिमल में बदलने के लिए, तो आ जाएगा 1.2, यही फाइनली आंसर होगा, यानी 1.728 1.728 का घनमूल, ये घनमूल का चिन्ह है, निकल के आ गया 1.2। एक एग्जाम्पल और लेते हैं सही से समझने के लिए। मान लीजिए अगली संख्या हमारे पास डेसिमल वाली है, जिसका हमें घनमूल निकालना है। संख्या है 0.123458, इसका हमें घनमूल निकालना है। दशमलव शून्य के 8 के बीच में 5 शून्य है और 8 है, तो सबसे पहले वही करेंगे जो संख्या है हमारे पास दी हुई
0.4508। इसका सबसे पहले दशमलव दूर करेंगे, उसके लिए दशमलव के नीचे एक लिख लेंगे और दशमलव के आगे जितनी डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट हैं, तो यहाँ पर 6 जीरो आ जाएंगे। तो फाइनली जो संख्या बनी जाके डेसिमल यहाँ से अब हट जाएगा, तो ऊपर रह गए 8 और नीचे आ गया 1 के आगे 6 जीरो। 8/1, 1,000,000, 10,000,000, 10,000,000 ये बन गया, 1,000,000, 10,000,000, 10,000,000। अब क्या करेंगे, अंश है 8, तो 8 का घनमूल अलग निकलेगा और हर हो गया 1 के आगे 6 जीरो, इनका घनमूल अलग निकलेगा। तो 8 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 के हम टुकड़े करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 × 2 × 2, इन्हीं 8 का घनमूल निकल के आ गया, 2 × 2 = 1 पेयर बना, तो आ गया 2। अब संख्या बची हर में 1 के आगे 6 जीरो हैं, इसका घनमूल निकालेंगे, तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 5 = 10, अब बचे 5 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 0 = 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 3 जीरो। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 जीरो आ गए। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 एकम 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। अब जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, अब होगी, चलो 5 से डिवाइड करते हैं, लास्ट में 5 है तो 5 से हो जाएगी, 5 × 3 = 15 और 6, 5 × 1 = 5, बचा 1, 2 = 12, 5 × 2 = 10 और बचे 2, 25 हो गए, 5 × 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगी, 5 × 6 = 30, बचा 1, 5 × 2 = 10, 12 और 5, 5 × 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगी, 5 × 5 और 5 × 2 = 10, 5 × 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगी, 5 × 2 = 10 और 5 × 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगी, 5 × 5 = 25, फिर 5 से हो जाएगी, 5 × 5। इस तरीके से 1 के आगे 6 जीरो के अभाज्य गुणनखंड आए, 2 आया है 6 बार, 5 आया है 6 बार, यानी 2 6 बार और 5 भी आया है 6 बार। अब 2 के 3 3 के 2 जोड़े बन गए और 5 के 3 3 के 2 जोड़े बन गए। तो इस तरीके से इसका घनमूल निकल के आ गया, हर जोड़े से एक संख्या ले ली, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 20 × 5 = 100। तो इस तरीके से 8/1 = 6 जीरो, इसका घनमूल निकल के आ गया, अंश का आया 2 और नीचे आया 100, 2/100। इसे अगर डेसिमल में बदल दें तो हो जाएगा 0.02, ये घनमूल आ गया निकल के 0.00008 का, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 0.00005 जीरो है 8, इसका घनमूल निकल के आ गया 0.02। फाइनली ये एक संख्या और लेते हैं, इसका सही से समझने के लिए स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए एक उदाहरण और लेते हैं, मान लीजिए संख्या हमारे पास है 0.216, इसका हमें घनमूल निकालना है। कोई भी दशमलव संख्या हो, सबसे पहले उसको क्या करेंगे, उसका डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल के नीचे एक लिख लेंगे, डेसिमल के आगे जितनी डिजिट हैं उसके आगे उतने जीरो उतार देंगे, 3 डिजिट हैं तो 1 के आगे 3 जीरो उतर गया, संख्या आ गई 216 बटे
1000। अब अंश 216 का घनमूल अलग निकालेंगे, उसके लिए 216 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड किया, पहले भी कर चुके हैं 216 का। अब 3 × 27 और 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3, तो 216 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए। 2 × 2 3 आया है 3 बार, तो 216 का घनमूल आ गया निकल के। 3 3 के जोड़े बनाए, हर जोड़े से एक ले लिया, यानी 2 × 3 = 6, 216 का आ गया निकल के घनमूल 6। अब हर में है 1000, तो 1000 का टुकड़े कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 1000 के, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 500 आया, फिर 2 से किया, 250 आया, फिर 2 से किया, 125 आया, अब 5 से हो जाएगा, 25 आ गया, फिर 5 से किया, 5 × 5 = 25, फिर 5 × 5 = 5। तो इस तरीके से 1000 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 × 2 × 2 यानी 3 बार 2 और 3 बार 5। अब 2 का एक पैर बन गया, 3 3 का 5 का एक बन गया, यानी कि 1000 का घनमूल निकल के आ गया। हर पैर से एक के हम डिजिट ले लेंगे, 5 × 2 = 10। इस तरीके से जो संख्या थी 216/1000 का घनमूल निकल के आ गया, अंश का आया 6 और हर का आ गया 10। तो डेसिमल में अगर इसे करें तो हो जाएगा 0.6, यही फाइनल आंसर हो गया। यानी कि जो संख्या थी 0.216 का घनमूल, ये घनमूल का चिन्ह है, तो निकल के आ गया 0.6, यही फाइनली आंसर है। इस प्रकार किसी भी दशमलव भिन्न का, किसी भी दशमलव वाली संख्या का घनमूल आसानी से निकाला जा सकता है। सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटा के नीचे वही दशमलव नीचे एक लिख के इसके आगे जितने डिजिट हों उतने जीरो लगा लिए जाते हैं और दशमलव भिन्न दशमलव चिन्ह यहाँ से हट जाता है। 216/1000 हो गया। फिर अंश का अलग निकाल लेंगे, हर का अलग घनमूल निकाल लेंगे और उन्हें यहाँ रख देंगे। रखने के बाद पुनः डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, फाइनली आंसर हमें मिल जाएगा।